Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर भारत राजनीति के सबसे दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव का घर कुछ दिन पहले जिस तरीके से बिखरा था वो खबर आप सभी के सामने आई थी। मुलायम सिंह यादव इतने बेबस कभी नहीं दिखे थे जितने परिवार में मचे घमासान को लेकर उस समय दिख रहे थे। अखिलेश और उनके अपने चाचा शिवपाल के बीच जिस तरीके की तकरार खुलकर सामने आई थी, उसके बाद पार्टी की उठापटक के बीच में खबरें आ रही थी कि इन सब के पीछे अखिलेश की सौतेली माँ और मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना कहा थे। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे साधना बनी मुलायम की दूसरी पत्नी और अखिलेश यादव की सौतेली माँ। मुलायम सिंह की पहली पत्नी मालती ने अखिलेश यादव को 1973 में जन्म दिया। 2003 में अखिलेश की मां मालती देवी की बीमार से निधन हो गया। कहा जाता है कि मुलायम ने साधना से तभी शादी की जब वे पहले से शादीशुदा थे। हालांकि उनके परिवार को इस रिश्ते की खबर थी लेकिन उन्होंने कभी खुलकर इस रिश्ते को नहीं स्वीकारा। कौन है साधना यादव? साधना गुप्ता समाजवादी पार्टी में एक छोटी कार्यकर्ता थी। साधना पहले से ही शादीशुदा थी और उनके पति फरुखाबाद जिले में व्यापारी का काम करते थे, लेकिन बाद में वह उनसे अलग हो गई। 1980 के दौरान वह पार्टी से जुड़ी थी। 1982 में जब मुलायम लोक दल के अध्यक्ष बने उस वक्त साधना पार्टी में एक छोटी कार्यकर्ता थी। मुलायम जब राजनीति के शिखर पर थे उस वक्त उनकी ज़िंदगी में साधना गुप्ता का आगमन हुआ। पहले ही मुलाकात में नेताजी अपने से 20 साल छोटी साधना को अपना दिल दे बैठे और यहीं से इन दोनों का प्यार शुरू हुआ। साधना और मुलायम की प्रेम कहानी भले ही चोरी छिपे चल रही थी लेकिन मुलायम की माँ और उनकी पत्नी मालती को इस रिश्ते की खबर लग चुकी थी। कहते हैं कि मुलायम पर परिवार का दबाव था जिस वजह से उन्होंने इस रिश्ते को कभी भी नहीं स्वीकारा। मुलायम सिंह ने हमेशा इस रिश्ते को छिपा कर रखा। 1988 से पहले कोई नहीं जानता था कि मुलायम सिंह का एक और पुत्र है जिसका नाम प्रतीक है। 2003 में मुलायम की पत्नी की मौत के बाद अमर सिंह ने साधना और मुलायम के रिश्ते को एक बार फिर हवा दी। साल 2007 में मुलायम सिंह यादव ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की जांच से बचने के लिए यह स्वीकार किया कि साधना गुप्ता उनकी दूसरी पत्नी है और उनका एक पुत्र प्रतीक भी है। इसी के बाद पूरे देश को पता चला कि मुलायम की एक और पत्नी है और उनसे एक बेटा है। अखिलेश ने साधना गुप्ता के अपने परिवार में कभी जगह नहीं दी। वह मानते हैं कि साधना गुप्ता और अमर सिंह के चलते उनके पिताजी ने उनकी माँ के साथ न्याय नहीं किया। अखिलेश नहीं चाहते थे कि मुलायम इस रिश्ते को स्वीकार करें। कहा जा रहा है कि साधना सपा के मुखिया मुलायम पर दबाव डाल रही है कि अखिलेश को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाकर उनके बेटे प्रतीक को दे। यही नहीं, मुलायम के अगले उत्तराधिकारी के रूप में साधना अपने बेटे प्रतीक को देख रही है, जिसको लेकर लगातार जो है ये चर्चा होती रही है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.